Hi guys, welcome to the Indian Gamer channel. हम खेल रहे हैं स्पिन टायर्स और पूरी कहानी आप जानते ही हैं क्या चल रहा है। तो मैं कैरिज लगवा के लंबर लेने जा रहा हूँ और रात हो रही है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन रात का कितना बज रहा है, 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है मेरे ख्याल से। जब हम लंबर उठाएंगे और फिर निकलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ, तब तक दिन निकल आएगा और हम दिन दिन में ही कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार चलने से पहले ना थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। पहले मैं मैप करूं सीधा, ये आप देखिए कोस्ट मैप क्यों कहलाता है, आधा इलाका देख रहे हैं आप, सिर्फ पानी पानी है। मैं क्या सोच रहा हूं, हम लंबर से लेंगे लकड़ी उठाएंगे और फिर हम सीधा ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे लेक के पता उधर से घूम के जाना है और मुझे उधर से कोई रोड नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा सर्कस करना पड़ेगा। लेकिन देखते हैं, अगर कोई रास्ता होगा तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। चलिए देखता हूँ, पहुँचा लिया तो बड़े वाले लॉक्स भी इधर से ही ले जाएंगे, नहीं तो फिर रोड से ढूंढेंगे कोई रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। जब तक कैरेज लगा है और शॉर्ट लॉक्स हैं तब तक मैं कर सकता हूँ, मुझे इतना कोई डर नहीं है। अच्छा, अपना डी खड़ा हुआ है दूसरे ऑब्जेक्टिव पे, उसे भी लाना है, उसकी भी अभी मैं स्ट्रेटजी सोच रहा हूँ। अब तो नहीं, उसमें कोई स्ट्रेटजी की ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, उसमें तो मैं लॉन्ग लॉक ट्रेलर लगवाऊंगा और सीधे लंबे वाले लट्ठे टांगूंगा और सीधा ऑब्जेक्टिव की तरह उस साइड तो चल दूंगा। बस वहाँ पे मुझे एक ख्याल ये रखना है कि मुझे जो है रूट अपना जो है बेस्ट रखना है, क्योंकि लॉन्ग लॉक ट्रेलर्स के साथ मैं वो सर्कस नहीं कर सकता जो अभी मैंने पिछली बार किया था डी के साथ। तो वहाँ मैं रास्ते का ख्याल रखूँगा। आज हम ये रास्ता देख लेंगे, ये रास्ता कहाँ जाता है। ये लंबर लेके मैं निकलूंगा लेक के नॉर्थ से होता हुआ, देखूं लेक के उस पार से कोई रास्ता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है जब मैं स्काउटिंग कर रहा था जीप के साथ तो मैंने वहाँ से निकाला है, क्योंकि वहाँ हम जीप को स्काउट करते हुए ऑब्जेक्टिव पे निकले थे हम, जहाँ तक आपको अगर याद हो आपको। तो मुझे लगता है कोई ना कोई एक छोटा मोटा रास्ता होना चाहिए, मुझे ये तो लगता है कि पेड़ों में से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन देखता हूँ कितनी स्ट्रगल है, स्ट्रगल ज़्यादा हुई तो हम थोड़ा लंबा रास्ता रोड वाला अगली बार इख्तियार करेंगे, नहीं तो अगर ढूंढ लिया तो फिर बल्ले ही बल्ले, मैं इधर से ही लंबे वाले लट्ठे ले जाऊंगा। तो जल्दी से आज लंबर रखवा लूँ और चलें। 255 भी मुझे पिछली बार मिल ही गया, कैसे मिला था, हाँ अरे मैं डी जो है ले जा रहा था, जी डी ले जा रहा था, शॉर्ट लॉक्स ले जा रहा डी के साथ ऑब्जेक्टिव पे, तो वही रास्ते में ही सामने दिख गया। उसे मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन वो सामने ही दिख गया, तो मैंने कहा जब दिख रहा है तो ले ही लो। जैसे ही वो मिला तो पता चला कि वहाँ पर 255 है। अच्छा, यहाँ पर 4320 भी खड़ा हुआ है, इसका हम कुछ कर सकते हैं, फिलहाल इसे खड़ा ही रहने देते हैं, देखेंगे जो भी इसका बाद में होता है। अभी हाथ में मिशन है हमारे, पहले हम उसे करें, इसकी देखूंगा मैं बाद में। चलिए जी बल्ले बल्ले, लंबर आ गए, लंबर पे भी एक दो लाइटें जलती रहती हैं हमेशा, लेकिन सुबह कितना टाइम बचा है सुबह होने में। ओ ओ ओ, ओ ये मैंने आज देखिए गलत मोड़ दिया, डी हर बार मैं सही जगह से मोड़ देता हूँ और आज सी में गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, पूरी जगह लेके मोड़ूंगा अबकी बार, एकदम सही मुड़ना चाहिए, सही मुड़ गया, ठीक है। चलिए रख दीजिए हमारे 255 पे शॉर्ट लॉक्स, थैंक यू। अब हम चलें, आगे लकड़ी में तो नहीं टकरा रहा, ठीक है निकल गए। थोड़ी सी लंबर में मैं घुसता हुआ निकला हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं एक बार मैप में देखूँ और थोड़ा सा मैं मार्क कर लूँ कि रास्ता किधर से। सुबह हो रही है ये आप देख सकते हैं, क्षितिज पे थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी है। बड़ा 1000 बार कह चुका हूँ मैं आपसे कि बड़ा खूबसूरत सीन होता है इस गेम में जब भी सुबह होती है, मज़ा आ जाता है। अब मैं ज़रा स्ट्रेटजी बनाऊँ, एक रोड हल्की फुल्की सी देखिए आप जा तो रही है, आप देख सकते हैं ये होती हुई जा रही है, ये रोड पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। इससे होता हुआ थोड़ा सा मुझे पानी में से निकलना पड़ेगा, ठीक है यहाँ आ जाऊंगा, फिर मैं इधर से निकलूंगा, ये नदी में से होता हुआ
ये पानी में से होता हुआ ये देखिए आगे थोड़े पेड़ आने लगे। कोई आसान रास्ता? नहीं, यही है। थोड़ा सा मुझे बस इन पेड़ों को टैकल करते हुए, ये एक छोटी सी पगडंडी से होते हुए, ये मैं सीधा ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब जितना आसानी से मार्क कर लिया है उतनी आसानी से बस पहुंच जाएं, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं बीच में। सुबह का कोहरा, अरे एक चाय पी लो। ये देखिए घर भी दिख रहा है। ड्राइवर साहब उतरिए, एक चाय पी लीजिए इस घर में उतर के। सुबह की चाय, जंगल में मज़ा ही आ गया ऐसे कोहरे के बीच में। खासकर यार हम नॉर्थ इंडिया वालों का तो बड़ा बुरा हाल होता है, गर्मी में बहुत परेशानी होती है। इसलिए जहाँ भी ठंडक दिखाई देती है ना हम खुश हो जाते हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया की एक ही कहानी है। पूरे नॉर्थ इंडिया की क्यों कह रहा हूँ मैं, पहाड़ी इलाके वाले तो ठंडे ही रहते हैं, ये हम जो नॉर्दर्न प्लेन्स में खासकर रहते हैं उनका बनता है डॉगी। चढ़ जा भाई, क्या कर रहा है? बोले चढ़ गया। मुझे लगा विंच लगानी पड़ेगी। मैंने कहा नाम डुबा रहा यार तू तो, मतलब तू तो शॉर्ट लॉक्स ले जा रहा, उसमें भी तू चूं पे करेगा तो कैसे काम चलेगा? ये रास्ता मैंने मार्क, ये हाँ ठीक है, सही मार्किंग करी है मैंने एकदम। चलते जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर सब कुछ सही चला दोस्तों तो आज का गेम प्ले ख़त्म होने से पहले मैं ये लोड डिलीवर कर दूंगा। बिना दिक्कत के हम चले जा रहे हैं, नज़र ना लगे, हर बार कहता हूँ बिना दिक्कत बिना दिक्कत, और उसके बाद हमेशा ये कहता हूँ नज़र ना लगे। कैसेट फंस गई है मेरे, एक ही रिकॉर्ड घिसे जा रहा हूँ मैं। अब ये आ गया रीजन पेड़ों वाला। अब मुझे बस थोड़ा सा यहाँ देख देख के चलना है, कहाँ क्या जगह है, कितने पेड़ है। क्या मैं एक लंबा ट्रेलर यहाँ से ला सकता हूँ या नहीं ला सकता हूँ? कहाँ फंसे मैंने देखा नहीं, मैं तो मैप देखता रह गया। किसी बड़े पेड़ पर फंसा है क्योंकि ये आगे वाले पहिए लटके हुए थे। ये देखिए कितना बड़ा तो पत्थर पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल घास में पड़ा हुआ था ना, इसलिए मुझे दिखाई भी नहीं दिया। अभी भी देखिए दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी बड़ा पत्थर था। आगे के पहिए तो लटकी गए थे। यार मैं इधर से ले लेता हूँ, मैं ज़मीन पर रखूँगा एक पहिया कम से कम, जिससे कि कोई घबराहट की बात ना हो, डूबे शूबे ना। नहीं नहीं पानी ठीक ही है, कुछ ज़्यादा मुझे गहरा पानी लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्यों रिस्क लूँ। एक हम पहिया ज़मीन के पास ही रखेंगे, ज़्यादा हम पानी में से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है जी, पानी में से भी निकल गया हूँ मैं बिना किसी दिक्कत के। बहुत बड़ी लेक थी मेरे पीछे, वो देखिए कितनी बड़ी लेक है। पत्थर के ऊपर ले लिया, लेकिन बाकी पहिए नहीं आएंगे, एक ही पहिया निकला। चलिए इतना तो बल्ले बल्ले हो गया है, और फिर पेड़ आ गए। अब इधर मैं कहाँ से निकलूँ, बहुत पेड़ है भाई। मैंने क्या मार्किंग करी थी, मार्किंग मेरी क्या कह रही है? मार्किंग तो यही कह रही है कि बेटा तुम्हें तो सामने से ही जाना है। चलिए फिर गाइज, अब क्या कर सकते हैं जब जाना है सामने से ये, अरे मुड़ जाना है ना मैं, अरे मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है, मुड़ जाना है ना, वही मैं कहूँ कहाँ वो ले जा रहा है, सामने तो पेड़ ही पेड़ थे। एक पेड़ तोड़ दिया प्यार से। 255 भी कम शक्तिशाली नहीं है, इसका इंजन आप भी जानते हो, ये पूरे लॉन्ग लॉक ट्रेलर्स ले जाने की काबिलियत रखता है ये, और सिर्फ शॉर्ट लॉक्स ले जा रहे हैं, ये भी ताकतवर ट्रक है। चलिए ये नदी आ गई, सही मैपिंग करी है मैंने। ये छोटा सा बॉडी का पार्क है बिल्कुल, मैंने जो है आज ये जो निशान लगाए ना वो काफ़ी सोच समझ के लगाए हैं, सही लगा दिए। ठीक ठीक रास्ता मुझे दिखता जा रहा है, और देखिए ज़रा सी प्रॉब्लम हुई, मुझे लगा वो पेड़ है, वही मैंने जो मार्किंग करी थी उसके हिसाब से मैं चला, बगल में रास्ता मिल गया। सही है यार सही है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा पानी गहरा है, इसलिए मैं बीच में से ले सकता हूँ, लेकिन मैं ज़मीन पे ही रखने की कोशिश करूँगा।
हाँ ज़्यादा गहरा पानी नहीं था, ठीक है। टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, उससे हमें बचा के निकलना है, क्योंकि हम सबको पता है टूटा हुआ पेड़ खून पीता है, फंसा लेता है। वो मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मुझे हिल मैप में एक टूटे हुए पेड़ ने मेरे सारे सपने तोड़े थे। बद्दुआ लगाता हूँ रोज रोज, बद्दुआ लगाता हूँ उस पेड़, टूटे हुए पेड़ को। लौटेंगे हिल मैप में भी, लौटेंगे अपना पूरा करेंगे अधूरा सपना। अच्छा गाइज यहाँ तक हम आ गए हैं और यहाँ से एक रास्ता जाता है, ठीक है ठीक है, एक बड़ा ही दुबला पतला रास्ता जाता है और बीच में पेड़ों की पूरी दीवार है। अगर मैं अपने लेफ्ट में जाने की कोशिश करूँ तो करीबन करीबन असंभव ही है, बहुत घने पेड़ों का जंगल है। ये जो है पगडंडी बहुत सही मिली हमें, लेकिन मैं एक बात नहीं जज कर पाया हूँ अभी भी, क्या मैं यहाँ पे लंबे लट्ठे ला सकता हूँ? मेरे ख्याल से मैं लंबे लट्ठे ला सकता हूँ, मेरे ख्याल से मैं ला सकता हूँ, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं है। मुझे एक जगह भी पेड़ों ने परेशान नहीं किया, किसी भी पेड़ों के बीच में से मैं थोड़ी ना निकला हूँ, हर जगह से मैं प्यार से निकल आया। ठीक है यही रास्ता चूज करते हैं हम ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का। अब ट्रक भी चूज कर लिया जाए, ये आ गया देखिए ऑब्जेक्टिव आ गया, क्या दिक्कत हुई बताइए? सही मैपिंग करके लाया था मैं और इतना जो है 22 डैमेज, मैंने तेज़ी से पत्थरों को ऊपर से निकाल रहा हूँ बिना ब्रेक, देखा आपने बिना ब्रेक लगाए पत्थरों को ऊपर से निकाला, जितना पूरे सफ़र में डैमेज नहीं हुई इतनी एक ही जगह पर मार ली मैंने। चलिए जी मैं एक काम करता हूँ, ये तो हुआ अपना आधा काम पूरा, अब अपनी क्या प्रोग्रामिंग है सर? ये देखिए मैं प्यार से पहुँच गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है गाइस कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। अब कैसे लंबर ले जाऊँ मैं और कहाँ लंबर ले जाऊँ और किसको क्या ले जाऊँ क्या करूँ? एक काम करते हैं गाइस, आज मैं अपने क्या करता हूँ डी को वापस ले जाता हूँ और डी से हम दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव तक पहुँचवाते हैं 8 points। इधर का तो रास्ता पता ही चल गया है, मैं उसकी बाद में सोचता हूँ उधर क्या करना है, पहले मैं डी से इधर के 6 points पूरे करवाता हूँ उस दूसरे वाले ऑब्जेक्टिव पे। तो डी को गराज पे लेके चलते हैं। डी भैया कहाँ पर हो? डी डी भैया ये रहे। अरे यार एक गड़बड़ हो गई, इसका डीजल तो बिल्कुल ख़त्म होने पे है, मैं पहुँचा पाऊँगा? ये तो सर्कस हो गया। ओ तेरी भाई ये तो पंगा हो जाएगा भाई, कितनी दूर हैं हम? मैं गाइस एक काम करता हूँ, देखिए आप फ्यूल का मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल रोड रोड पे, ठीक है इसी रोड पे ले जाके पहले मैं फ्यूल डलवाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं गैराज तक पहुँच पाऊँगा। अरे मैं कोशिश करता हूँ, हटा सावन की घटा, नहीं तो इतना मैं वो सेफ नहीं खेलना चाहता। मैं गैराज पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ, बीच में अगर ख़त्म हो गया तो मैं 6522 को तेज़ी से ले आऊँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, जितना बचा सकता हूँ डीजल उतना बचा के चलूँगा और कोशिश ये भी करूँगा कि मैं रोड पे चलूँ। वैसे कितना बचा है? 98 liters, करीबन 100 liter बचा है। ठीक है कोशिश अपनी रहेगी कि जितना बचा सकें उतना बचाएं। मैंने अभी देखिए ये डिफ लॉक ऑल व्हील ऑफ कर रखे हैं, डैमेज की मैं फिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए तो मैंने दोनों ऑन कर लिए डिफ लॉक और ऑल व्हील। 21 liter per minute का तेल खर्च होता है जब ये चढ़ाई कर रहा है। ये रोड जा रही है ना, रोड जा रही है, दोनों मैंने बंद कर लिए डिफ लॉक और ऑल व्हील, जिससे कि मैं तेल बचा सकूँ। अब देखिए 9 liter per minute का तेल खर्च हो रहा है। अब ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा अगर गैराज तक पहुंचाना है इसे। मैं पूरी जान से उतरूंगा जिससे कि मुझे कहीं, देखा गाइस कितनी बड़ी सज़ा मिली, आप नहीं ध्यान दोगे आपके ट्रक के साथ ये होगा, पिचक गई बॉडी आगे से, देख रहे हो आप कितनी खतरनाक डैमेज हुई आगे से, सब टूट फूट गया। ये एक बात हमेशा रिमाइंड कराती है मुझे कि आखिर ये डी है लेकिन ये भी एक मशीन है और इसकी भी लिमिटेशंस हैं। धीमे धीमे उतारना चाहिए था, इतनी ताकत के साथ उतार दिया, लेकिन चलिए डैमेज तो ये अब भी नहीं लेगा।
10 लीटर पर मिनट के हिसाब से तेल खर्च हो रहा है, और अगर मैं दोनों ऑन कर देता हूँ तो कितना होता है, 30 लीटर पर मिनट। ना ना, बंदी रहो क्योंकि मुझे तेल बचाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे गैराज के पहुँचने के लाले पड़ जाएंगे, फिर मुझे इधर उधर घूमना पड़ेगा। वैसे ही बड़ा मुझे लगता है बिल्कुल राम राम करते ही पहुँचेंगे। अब एक सेकंड मैं डिसाइड कर लूँ, मैं बार बार हमेशा रोड पे आके भूल जाता हूँ, मुझे अपने लेफ्ट से होके जाना है। ठीक है, मुझे अपने लेफ्ट से होके जाना है और मैं यहाँ से रोड क्रॉस करूँगा। ठीक है, यही बेस्ट पॉइंट था। ठीक है, रोड पे अपने को जाना है लेफ्ट में। ठीक है जी, 10 लीटर पर मिनट, 80 लीटर बचा है। ठीक है, मुझे लगता है अगर सबको सही रहा और मैंने ज़्यादा होशियारी नहीं मारी तो हम बिना किसी और ट्रक की मदद लिए बिना पहुंचा देंगे। बस मैं डिफलॉक और ऑल व्हील ऑन करूंगा जब मुझे नदी क्रॉस करनी होगी। एक सेकंड, में सही जा रहा हूँ ना? हाँ, अभी सही जा रहा हूँ ना। ठीक है, निशान तो मैंने लगा ही रखा है और शायद पुल आएगा। पुल आ गया। ये मेटल का पुल जो है बड़ा कर्रा बना है। ये मैंने देखिए ज़्यादा स्पीड से ले ली, अभी टकरा जाता मैं इधर उधर। चलो, ये भी पटरियों जैसा बनाया बिल्कुल, बीच में से आपको जगह बना के चलना पड़ेगा वरना पहिया फंस सकता है। अब देखिए यहाँ से कहीं हमें मुड़ना होगा नदी की साइड। अब मुझे बस ये बता दे कोई किधर है वो रास्ता। यही है वो रास्ता, क्योंकि मुड़ गया। मुड़ जाओ। देखा आपने, ये एक चीज़ देखी कितने प्यार से मैंने डी को मोड़ दिया। ये पता है क्यों हुआ? क्योंकि डिफलॉक ऑफ। डिफलॉक आपको अगर याद हो, मैंने आपको शायद पहले ही एपिसोड में बताया था, ऑल व्हील ये ऑन कर लूँगा डिफलॉक। इससे क्या होता है, आपके एक्सल जो है जुड़ जाते हैं, दोनों पहिए आपके जुड़ जाते हैं। ये मैंने पहले ही एपिसोड में बताया था स्पिन टायर्स के। उससे ये होती है, फ़ायदा ये होता है कि इंजन की ताकत जो है दोनों पहियों में लेफ्ट राइट वालों में बराबर पहुंचती है। मैं डिफलॉक ऑन करूं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑन कर लूँगा, नहीं पड़ी तो नहीं करूँगा। कहाँ है, एक रास्ता होना चाहिए। अभी भी मैंने डिफलॉक वगैरह ऑन नहीं किया और नदी में ही चलता जा रहा है, कमाल की बात है। लेकिन मैंने अब दोनों चीज़ें ऑन कर ली हैं क्योंकि चढ़ाई करनी है वरना दिक्कत हो जाएगी। चलिए, मैं काफ़ी इकोनॉमिकली ले आया हूँ डी को। ये बताऊँ, एक और दोबारा से सबूत है डी की ताकत का कि मैं कुछ भी ऑन नहीं करता हूँ तब भी वो चलता रहता है। लेकिन देखिए अब होगी दिक्कत, देख रहे हैं आप, पीछे का पहिया फिसलता जा रहा, आगे के पहिए नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन तब भी वो चलता रहता, रुकता नहीं। सब ऑफ रखो आप, तब भी चलता रहेगा। इसमें से कैसी ट्रैक्टर जैसी आवाज़ें आ रही हैं ख़राब होने की वजह से। रुक गया, चल भाई चल, दोनों चीज़ें ऑन, डिफलॉक ऑल व्हील। 23 लीटर पर मिनट का तेल तुमने चूसना शुरू कर दिया और अभी भी बहुत दूर है गैराज, अभी भी दूर है मैं आपको बताऊँ। और मुझे पता नहीं कितनी देर तक हमें डिफलॉक वगैरह ऑन करना है। लेकिन अब तो बड़ा दुख होगा कि अगर गैराज के मैं काफ़ी पास पहुंच चुका हूं, अगर अब ये बंद हो गया। मेरे ख्याल से पहुंच जाएगा, क्योंकि हम देखिए 100 लीटर से हमने शुरू किया था और अब हम आधा खर्च कर पाए और काफ़ी दूर आ गए। लेकिन उसमें से आधे टाइम मैंने रोड पे चलाया था, ये मैंने डिफलॉक ऑल व्हील ऑन नहीं किए, आधा टाइम मैंने रोड पे चलाया था 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से, और अब मैं चला रहा हूँ करीबन 25-30 लीटर पर मिनट के हिसाब से। चलिए बहुत बढ़िया, ये देखिए बगल में हमारे समुद्र है एकदम। ये मैप का आखिरी कोना है, ये बिल्कुल बगल में समुद्र जा रहा है, इसलिए इसे कोस्ट मैप कहते हैं। चल भाई, और यहाँ 35 लीटर बचा है, अब ये डिफलॉक ऑल व्हील ऑन कर रखे हैं ना मैंने। गाइस अब मुझे बहुत डर लग रहा है,
मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई और व्हीकल बुलाना पड़े, सही बता रहा हूँ। बहुत खतरनाक चल रहा है गेम प्ले आज तो, सही में मैं भी हिला हुआ। और आज का गेम प्ले ख़त्म करूँगा मैं, कोई ना कोई फैसला हो जाए, या तो मैं गैराज पहुँच जाऊँ या फिर ये खड़ा हो जाए, तो एक फैसला हो जाए। 20 लीटर बचे हैं गाइस, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 20 लीटर मिस लीटर नहीं पहुंचा पाऊंगा, नहीं पहुंचा पाऊंगा पंद्रह लीटर बचे हैं। और ये दोबारा मुझे ऑन करना पड़ रहा है। लो गाइस, मुझे लगता नहीं पहुंचा पाऊंगा, नहीं पहुंचा पाऊंगा। 10 लीटर बचे हैं, 9 लीटर बचे हैं, 8 लीटर बचे हैं, 7 लीटर बचे हैं, 6 लीटर बचे हैं, 5 लीटर बचे हैं। गैराज बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। 4 लीटर बचे हैं, 4 लीटर बचे हैं, वो ब्लू दिखाई दे रहा है वही गैराज है। 3 लीटर बचे हैं, 2 लीटर बचे हैं, 1 लीटर बचा है, 1 लीटर बचा है, 1 लीटर बचा है। फक फक 0 लीटर बचे हैं। ऐसा गेम प्ले आज तक मैंने कभी नहीं खेला गाइस। ओह पो खेल हो जाता, मैं चूड़ियां तोड़ लेता अपनी अगर गैराज के सामने ये ट्रक बंद होता तो। फक 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 ओ शिट अभी भी मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप पे। ये क्या हुआ आज, आज ये क्या हुआ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ सीरियसली गाइस। ओफो लाइक तो बनता ही बनता। इतना किसी मूवी के क्लाइमेक्स में भी इतना मैं नहीं हिल गया हूँगा जितना आज हिल गया था। गैराज में पहुंचाऊं 0 लीटर हो चुका था मेरी आंखों के सामने। अगर मैंने कहीं एक और जगह भी कहीं पे भी एक्स्ट्रा डिफलॉग ऑल व्हील कर दिया होता तो मैं यहां नहीं पहुंचता, सामने ही खड़ा हो जाता। कम ऑन गाइस, आज तो लाइक बनता ही बनता। प्लीज कमेंट करना यार आज जो ये देखने को मिला, प्लीज मुझे आपके कमेंट चाहिए इस चीज पे, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहूं जो आज हमने विटनेस किया। वाओ, चलिए गाइस मिलते हैं अगले स्पिन टायर्स में, मजा आ गया।